के हरफ तहजी और उनकी आवाज़ें। पाकिस्तान रीडिंग प्रोजेक्ट USAID की माली मावनत से चलाया जाने वाला 5 साल प्रोग्राम है, जिसका मकसद पाकिस्तान में सूबाई और इलाकाई तालीमी महकमा जात की मावनत से बच्चों की पढ़ने की महारतों को बेहतर बनाना है। ये प्रोजेक्ट पढ़ने के 5 अज्जा पर काम कर रहा है, जिसमें सौती आगही, इल्मुल अस्वात, ज़खीरे अल्फाज, रवानी और तफहीम शामिल हैं। इसमें छपे हुए तसव्वुरात और लिखाई की महारतों को भी मरबूत किया गया है। पढ़ाई के अज्जा में बुनियादी अज्जा सौती आगही और इल्मुल अस्वात हैं। सौती आगही से मुराद हुरूफ की आवाज़ों को सुनना, उनमें फ़र्क करना और उनकी निशानदेही करना है। बच्चों के साथ सौती आगही पर काम करना नहायत अहम है, ताकि वो अल्फाज में मौजूद मुख्तलिफ आवाज़ों को सुनकर सीखें और ये जान सकें कि इन आवाज़ों को किस तरह अदा किया जाता है। जबकि इल्मुल अस्वात वो तरीक़ाकार है जिसमें पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए आवाज़ों को हरूफ से जोड़ा जाता है। इल्मुल अस्वात में बच्चे ये सीखते हैं कि हुरूफ तहज्जी की आवाज़ें किस तरह काम करती हैं। बच्चों को सौती तरीक़ा की मदद से पढ़ना सिखाने के लिए ज़रूरी है कि असातिज़ा खुद तमाम हुरूफ की आवाज़ें जानते हों और उनकी अदायगी सही तौर पर कर सकते हों। इस रिकॉर्डिंग में असातिज़ा की मदद की गई है कि वो उर्दू के तमाम हरूफ और हरकात की आवाज़ें सुनकर सीख सकें, ताकि बच्चों को सिखाने में उन्हें किसी दिक्कत का सामना ना हो। ये आवाज़ें उसी तरतीब के मुताबिक हैं जो पाकिस्तान रीडिंग प्रोजेक्ट की जानिब से उर्दू पढ़ाई की तरतीब और दायरा कार में मुतारिफ करवाई गई हैं।